बिग बॉस सीजन 16 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार कई पॉपुलर चेहरे शो में शामिल हैं। उन्हीं में से एक है उडारिया फीन फतेह यानी कि अंकित गुप्ता, जो कि व्यूवर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वेल, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अंकित गुप्ता की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है। अंकित गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 6 नवंबर 1988 को हुआ था। अंकित गुप्ता फिलहाल 33 इयर्स के हैं। उन्होंने 2012 में बालिका वधू में डॉक्टर अभिषेक कुमार का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने उसी साल तूतिया दिल से बॉलीवुड में भी डेब्यू किया था। हालांकि शो सरदा हक से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इस शो में अंकित ने एक यंग कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभाया था। टेलीविजन पर अंकित गुप्ता बेगूसराय सीरियल का भी हिस्सा रहे थे, जहां उन्होंने एक गांव के आदमी गौरव ठाकुर का रोल निभाया था। और पिछले साल उन्होंने पहली अपनी आउटिंग उडारिया में लीड रोल की। इसमें अंकित दो बहनें तेजो जैस्मीन के प्यार के बीच फंस जाते हैं और उनका नाम था फतेह। अंकित और प्रियंका की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई है और यही वो कारण है कि शो की शुरुआत से ही दोनों को लोगों का काफी प्यार मिला। ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि दोनों रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप में आ जाएं। मैं आपको बता दें, अंकित गुप्ता की नेटवर्थ लगभग $1 मिलियन से $5 मिलियन के बीच बताई जाती है। वेल, अंकित गुप्ता फिलहाल बिग बॉस सीजन 16 का हिस्सा है और बतौर कंटेस्टेंट उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन वाइफ यानी कि तेजो प्रियंका चहर चौधरी के साथ ही धमाकेदार एंट्री की है। और शो में तो अभी भी लगता ही है कि ये दोनों एक पॉपुलर कपल बन सकते हैं, बिकॉज इनकी केमिस्ट्री जितनी ऑन स्क्रीन है उतनी ऑफ स्क्रीन भी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। अंकित गुप्ता की बात करें तो ये काफी ज्यादा हैंडसम हंक कहलाते हैं और इनके फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बिग बॉस के घर में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और उनमें सबसे ऊंचा नाम अगर अब्दुल रोजिक के बाद किसी का आता है तो वो है अंकित गुप्ता। जी हाँ, एक यंग एक्टर हैं वो और काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। इवन उडारिया के आने के बाद और उडारिया से उनका रोल खत्म होने के बाद फैंस फतेह और तेजो की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब उन्हें ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज अनाउंस हुई कि बिग बॉस के घर में ये दोनों एक साथ धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं, वैसे ही फैंस इन दोनों को देखने के लिए बेताब हो गए। और फाइनली 1st of October को बिग बॉस का आगाज हुआ, जिसके बाद फैंस का इंतजार खत्म हुआ और फतेह और तेजो की जोड़ी एक बार फिर फैंस के सामने आ चुकी है। ऐसे ही तमाम किस्से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।